तो आज की इस वीडियो में हम दुनिया भर में सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली 5 भारतीय फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और कभी आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नंबर 5 पर फिल्म है 2.0 फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में रजनीकांत और अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एस शंकर ने। ये फिल्म सीक्वल थी साल 2010 में रिलीज हुई रोबोट की। 2.0 फिल्म हाईली एंटीसिपेटेड फिल्म थी जिसे मल्टीपल लैंग्वेज में पैन इंडिया रिलीज किया गया था। बात करें 2.0 फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस फिल्म ने मात्र 8 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड 510 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। ये फिल्म रिलीज के वक्त सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों में से एक है। नंबर 4 पर फिल्म है पठान। पठान फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुकोण थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने। ये फिल्म यश राज स्टूडियो के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा थी जिसमें एकता टाइगर, टाइगर जिंदा है और वार जैसी फिल्में शामिल है। ये फिल्म शाहरुख खान की कमबैक फिल्म थी साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म जीरो के बाद। पठान फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। पठान फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया गया था जिसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में हिंदी के अलावा डब करके रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने मात्र 5 दिनों में ही 542 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। वेट पोट वरवेपर नंबर 3 पर फिल्म है KGF चैप्टर 2। KGF चैप्टर 2 साल 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी लीड रोल में थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। ये फिल्म सिक्वेल थी साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म KGF चैप्टर 1 की। KGF चैप्टर 2 फिल्म हाईली एंटीसिपेटेड फिल्म थी जिसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में पैन इंडिया रिलीज किया गया था। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इस फिल्म ने मात्र 4 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड 540 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। नंबर 2 पर फिल्म है RRR। RRR फिल्म रिलीज हुई थी साल 2023 में। ये एक फिक्शनल पीरियड ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म के अंदर हमें जूनियर NTR, रामचरण लीड रोल में थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था SS राजामौली ने। बाहुबली 2 के मैसिव सक्सेस के बाद हर कोई SS राजामौली सर की नेक्स्ट फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, और जब RRR फिल्म रिलीज हुई तो हुआ भी कुछ ऐसा ही, और RRR फिल्म हर किसी को पसंद भी आई। इस फिल्म का VFX, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म के एक्शन सीन, जूनियर NTR और रामचरण की बॉन्डिंग और SS राजामौली का डायरेक्शन हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आया था। इस फिल्म ने मात्र 4 दिनों में 570 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था। फास्टेस्ट 500 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली इंडियन फिल्म है बाहुबली द कंक्लूजन। बाहुबली 2 प्रेजेंट में सबसे तेज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का कलेक्शन करने वाली भारतीय फिल्म है। इस फिल्म को SS राजामौली सर ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए थे। अपनी रिलीज के बाद मात्र 3 दिनों में ही बाहुबली 2 ने 500 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। इस फिल्म का रिकॉर्ड अब तक कोई दूसरी फिल्म नहीं तोड़ पाई है। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताना आपको क्या लगता है बाहुबली 2 का रिकॉर्ड कौन सी फिल्म तोड़ पाएंगी, और आने वाले जितनी भी अपकमिंग बिग बजट फिल्म है उनमें से कौन सी फिल्म इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकती है। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो। कभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कभी आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, और इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया पर शेयर भी कर देना। मैं आपको मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।